चलिए दोस्तों, आज भी लेके आ गए हूँ आपके लिए बहुत ही बड़ी बड़ी टेक न्यूज। उम्मीद करता हूँ आज का भी टेक न्यूज बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो बिना स्किप करके फुल वीडियो देखिए। उम्मीद करता हूँ आज का भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो क्या करना है, लाइक शेयर और लाल वाला बटन को काला कर देना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला टेक न्यूज। आज का जो पहला टेक न्यूज आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है रियलमी की तरफ से। रियलमी C11 का सक्सेसर रियलमी C15 इंडोनेशिया पे लॉन्च होने वाला है 28 जुलाई को। इसमें आपको 6000 एमएएच का बैटरी एंड 18 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा। अब रियलमी का शायद ये पहला फोन होगा जिसमें आपको 6000 एमएएच का बैटरी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करें दोस्तों, आ रहा है रियलमी की तरफ से रियलमी 6i का लॉन्च डेट ऑफिशियली निकल के आ गया दोस्तों। 24 जुलाई को फ्लिपकार्ट के ऊपर लॉन्च हो रहा है। अब देखना पड़ेगा दोस्तों इसका प्राइस रियलमी क्या रखता है। नेक्स्ट न्यूज की बात कर दोस्तों, रियलमी की तरफ से रियलमी इंडिया सपोर्ट पेज पे लिस्ट हो चुका है रियलमी का 10 वाट का वायरलेस चार्जर। अब इसका मतलब बहुत ही जल्दी हम लोग को इंडिया पे रियलमी की तरफ से 10 वाट का वायरलेस चार्जर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज की बात कर दोस्तों, वो भी रियलमी की तरफ से रियलमी का नया सीरीज चाइना पे लॉन्च होने वाला है दोस्तों। ऑफिशियल टीजर पे आ चुका है। अब अगर इस इमेज को गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें आपको सिंगल पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा। आप लीक्स के द्वारा पता चल रहा है शायद ये रियलमी 7 सीरीज का फोन हो सकता है। अब पहले तो दोस्तों चाइना पे लॉन्च होगा, बाद में हम लोगों को इंडिया पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करें दोस्तों, आ रहे सैमसंग की तरफ से सैमसंग M31 इसका ऑफिशियल लॉन्च डेट आ चुका है दोस्तों। 30 जुलाई को लॉन्च होने वाला है अमेजन के ऊपर। इसमें आपको 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ 4 कैमरा, जैसे मैंने बताया था पिछले टेक न्यूज में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों बात वहां पर ही अटक जाता है इसका प्रोसेसर। लेकिन दोस्तों आज गूगल प्ले कंसोल पे लिस्ट हो गया है M31। अब पता जा रहा है इसमें भी आपको 96111 पैसा देखने को मिल सकता है। ये कंफर्म ही पकड़ लीजिए। अब प्रोसेसर को छोड़ के सब कुछ सही है। अब देखना पड़ेगा दोस्तों प्राइस क्या रखता है सैमसंग। नेक्स्ट न्यूज की बात करें दोस्तों, आ रहे सैमसंग की तरफ से सैमसंग Z Flip 5G फाइनली दोस्तों ऑफिशियल टीजर पे आ चुका है। 22 जुलाई को लॉन्च होने वाला है चाइना के अंदर। इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। इसका मतलब 22 जुलाई को 3 फोन लॉन्च हो रहा है, तीनों फोन में आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। अब इन तीनों फोन में से सिर्फ एक फोन है जो इंडिया पे लॉन्च हो रहा है, वो है Asus ROG 3, और बाकी दो फोन चाइना पे लॉन्च होगा, Lenovo Legion गेमिंग फोन एंड Samsung Z Flip 5G। अब हमारे लिए तो दोस्तों Asus ROG 3 को माना जाएगा इंडिया का पहला 865 प्लस वाला फोन। नेक्स्ट न्यूज की बात करें दोस्तों, सैमसंग की तरफ से सैमसंग M51 पिछले टेक न्यूज में बताया था दोस्तों, ये ब्लूटूथ SID सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो गया है। आज दोस्तों NFC सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो गया है। इसका मतलब आपको सैमसंग M51 पे NFC सपोर्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करें दोस्तों, ओप्पो की तरफ से ओप्पो रेनो 4 प्रो इंडिया का लॉन्च डेट बाहर निकल के आ गया दोस्तों। अब इस महीने का लास्ट डेट कौन सा है, 31, उसी डेट पे लॉन्च हो रहा है। ये फोन आपको Amazon एंड Flipkart दोनों वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करें दोस्तों, LG की तरफ से LG K7 5G का स्पेक्स लीक हो चुका है दोस्तों। लीक्स कौन किया है, डिजिटल चैट स्टेशन। इसमें आपको 6.4 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ। तो पीछे की तरफ क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा। इसमें आपको 4025 एमएएच का बैटरी, 30 वाट का चार्जर एंड स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसीलिए तो 5G फोन है भाई। नेक्स्ट न्यूज की बात करें दोस्तों, आ रहे वोडाफोन की तरफ से वोडाफोन आज ऑफिशियली लॉन्च कर चुका है eSIM को इंडिया के अंदर। इसमें आपको कुछ सिलेक्टेड डिवाइस पर देखने को मिलेगा। अब कंपनी ने ऑफिशियल बता दिया है कौन सा डिवाइस पर आपको सपोर्ट करेगा। iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 10s, 10s Max एंड iPhone 10R एंड iPhone SE 2020। नेक्स्ट न्यूज की बात करें दोस्तों, इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस इंडिया पे आज लॉन्च हो चुका है दोस्तों। इसमें आपको 6.82 इंच का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, 6000 एमएएच की बैटरी, 10 वाट का चार्जर, हीलियो A25 वाला वॉकटॉकर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट देखने को मिल जाता है विथ ट्रिपल LED लाइट के साथ। 13 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी देखने को मिल जाता है। अब एक ही वेरिएंट पे लॉन्च किया दोस्तों, 3GB रैम एंड 32GB स्टोरेज के साथ। इसका जो प्राइस रखा है 7999 रुपीज। नेक्स्ट न्यूज की बात करें दोस्तों, नूबिया की तरफ से नूबिया रेड मैजिक 5S का ऑफिशियल लॉन्च डेट बाहर निकल कर दोस्तों। 28 जुलाई का लॉन्च होने वाला है चाइना। इसमें आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा एंड 240Hz टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलेगा। इसमें आपको अलग से कूलिंग मोटर भी देखने को मिलेगा जो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करें दोस्तों, Xiaomi की तरफ से Xiaomi के जो CEO है Li Jun, उसने Vivo के ऊपर एक पोस्ट डाला है। यार पोस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। उसने पूछा है आप लोगों से जब अपकमिंग जो फ्लैगशिप फोन होने वाला है उस फोन के अंदर क्या क्या नेसेसरी फंक्शन होना चाहिए। इसमें आपको डुअल स्पीकर, लीनियर मोटर, हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन,
3.5 mm जैक, NFC और भी बहुत कुछ है दोस्तों। अब साफ पता चल रहा है दोस्तों आने वाला टाइम पे जो हम लोग को सामने की तरफ से फ्लैगशिप डिवाइस देखने को मिल सकता है उनमें शायद ये वाला फंक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा। अब लीक साइज आ रहा है दोस्तों शायद MI 10 Pro Plus हो सकता है क्योंकि चाइना पे ऑलरेडी MI 10 एंड MI 10 Pro लॉन्च हो चुका है। नेक्स्ट एंड आखिरी न्यूज की बात करें दोस्तों आ रहा है OnePlus की तरफ से, OnePlus Nord फाइनली दोस्तों लॉन्च हो चुका है इंडिया पे। इसमें आपको 6.44 इंच का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ आपको चार कैमरा देखने को मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो सेंसर, 4115 एमएएच का बैटरी, 30 वाट का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। कंपनी दावा करता है 70% चार्ज आपको 30 मिनट पे देखने को मिल जाएगा। अब इसका जो प्राइस रखा है दोस्तों बहुत ही एग्रेसिव प्राइस के साथ आया है क्योंकि स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर के साथ आता है। अब दोस्तों आता है प्राइस के अंदर, ये तीन वेरिएंट के साथ लॉन्च किया है, 6GB 64GB जिसका प्राइस है 25,000, 8GB 128GB जिसका प्राइस रखा है 28,000, 12GB 256GB जिसका प्राइस रखा है 30,000। लेकिन दोस्तों अभी 6GB 64GB का बाय नाउ ऑप्शन नहीं दिया है, ये सितंबर को आपको देखने को मिलेगा। अब 4th अगस्त से आप लोग 8GB 128GB एंड 12GB 256GB को परचेस कर सकते हैं amazon.in। बहुत ही एग्रेसिव प्राइस के साथ इंडिया पे OnePlus Nord लॉन्च किया है। अब इसी लॉन्च इवेंट पे दोस्तों OnePlus Bud भी लॉन्च कर चुका है जिसका प्राइस रखा है 4,990 रुपए, जिसमें आपको 10 मिनट पे 10 आवर का बैकअप मिलेगा। ये सबसे बढ़िया चीज लगता है मुझे OnePlus के तरफ से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।